तो ऑप्शन चेन की सीरीज की पार्ट टू वीडियो में आपका स्वागत है और ये पार्ट सबसे एंडिंग पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। तो पहले वीडियो में हमने ये सीखा कि ऑप्शन चेन क्या होता है, उसे कैसे समझते हैं, ऑप्शन चेन के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ओपन इंटरेस्ट क्या है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, और साथ ही इन सब का यूज़ हम ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, कैसे ट्रेडिंग में डायरेक्शन जान सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमने पार्ट वन में सीखा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पहले आप पार्ट वन देख ले, फिर आपको पार्ट टू में बहुत ही अच्छे से क्लेरिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि पार्ट टू वहीं से कंटिन्यू होगी जहां पर पार्ट वन एंड हुई थी। इसमें हम लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन के डेटा को समझने सीखेंगे और ऑप्शन चेन के हेल्प से हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करें, ट्रेड में कहां पर एंट्री ले, ये सब जानेंगे। आगे जो वीडियो में मैं आपको लाइव मार्केट डेटा दिखाऊंगा जिसे मैंने कैप्चर करा था, वो 6 मार्च का था और फिर होली आ गई थी तो मुझे वीडियो को अपलोड करने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं आज इस वीडियो को फाइनल करके अपलोड कर रहा हूं। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कल को स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं आपको लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन को दिखा सकूं। मार्केट सुबह ओपन होती है, बुलिश ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और ऊपर की ओर ही जाने लगती है। ये 17,700 ब्रेक करती है और ऊपर की ओर जाती है और देखते थ्री ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप की कैंडल बनाती है। तो यहाँ से कई लोग सोच सकते हैं कि मार्केट शायद अब नीचे गिरेगी, इतना अच्छा ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल बना है तो बहुत लोग एंट्री भी बनाएंगे। बट मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ पर ऑप्शन चेन देखूंगा कि ऑप्शन चेन मुझे क्या बताता है। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ऑप्शन चेन की ओर कदम बढ़ाई। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट चल रही थी 17,000 कहाँ पर, जरा सा देख लेता हूँ एक बार, मार्केट चल रही थी 17,750 के आसपास, 750 को ब्रेक करने की मार्केट कोशिश कर रही थी। तो मैंने ऑप्शन चेन ओपन करा और देख सकते हैं कल के लाइव मार्केट में मैंने ऑप्शन चेन देखा तो 750 के पास मुझे क्या देखने को मिलता है कि मार्केट में 750 पर ये हमारा सपोर्ट साइड हो गया, पुट साइड हमारा सपोर्ट साइड है और ये जो कॉल साइड है ये हमारा रेजिस्टेंस साइड है। तो सपोर्ट साइड मैं देखता हूँ कि मार्केट का जो 750 पर डेटा है ओआई है 44,000 और चेंज ओआई है 38,000। अब इसे मैं कंपेयर करता हूँ कि कॉल साइड का डेटा के साथ, इसे मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो ओआई है 44,000 और इस साइड ओआई है 80,000, यानी कि ओआई डेफिनेटली यहाँ पर कॉल साइड बढ़ा है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ा है। लेकिन अब आता है चेंज ओआई, जो मैंने कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेंज ओआई, यानी कि आज के दिन जो हमारे मार्केट का मोमेंटम है वो कैसा है, मार्केट में सेलर्स जो सोच रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो चेंज ओआई आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 17,750 पर चेंज ओआई 38,000 के आसपास है और कॉल साइड अगर आप इसे देखोगे तो सिर्फ 18,000 है, यानी कि कॉल साइड का जो चेंज ओआई है वो कम है पुट साइड के चेंज ओआई से। इसका मतलब हमें क्या मिलता है, जो रेजिस्टेंस है वो ठीक है, ओआई ज़्यादा है तो थोड़ा सा मजबूत है रेजिस्टेंस, लेकिन आज के अकॉर्डिंग सेलर्स जो हैं वो ये ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए जो चेंज ओआई है वो पुट साइड ज़्यादा बड़ा है कॉल साइड से। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो हो गया, यानी कि एक साइड कॉल का बड़ा है ओआई और एक साइड जो है चेंज ओआई वो पुट का बड़ा है, तो एक एक जो पोर्शन है वो दोनों में बड़े हैं। और मार्केट को अब यहाँ पर आपको मार्केट का मोमेंटम भी देखना है, मार्केट का ट्रेंड देखना है किधर चल रहा है। तो मार्केट जो चल रही है वो अप ट्रेंड में चल रही है, हमने देखा अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पर चेंज ओआई ने भी हमें सिग्नल दिया कि मार्केट 750 को ब्रेक कर सकती है, आज का मोमेंटम वैसा है कि 750 ब्रेक हो सकती है, तो हम यहाँ पर पुट साइड एंट्री करेंगे ही नहीं क्योंकि चेंज ओआई ने हमें यही सिग्नल दिया है कि मार्केट 750 ब्रेक कर सकती है, वो लगभग डबल है कॉल के चेंज ओआई से। और आप देख सकते हैं आगे क्या हुआ, आप आगे देखो, मार्केट ने ग्रेवस्टोन डोजी को नीचे की तरफ ब्रेक करा, बहुत लोगों ने एंट्री बनाई होगी और स्टॉप लॉस रखा होगा उसका हाई, और आप देख सकते हो मार्केट फिर से धीरे 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 करके ऊपर की ओर ही मूवमेंट देनी चालू कर देती है। और फिर कुछ देर बिताने के बाद ये 9:30 अप्रॉक्स हो रहा था टाइम, 9:35, और आप देख सकते हैं मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसने भी पुट साइड एंट्री बनाई होगी उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो भी ऑप्शन चेन को नहीं देख रहे होंगे वो तो यहाँ पर लॉस खाएंगे। और फिर आप देख सकते हो अगले एक घंटे में मार्केट कहाँ गई, ये था हमारा ग्रेवस्टोन डोजी वाला कैंडल 9:35 के आसपास, और अगले एक घंटे में आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की ओर ही चली गई, 750 को ब्रेक करती हुई मार्केट 17,800 के आसपास पहुंचने वाली है, 17,791 के आसपास पहुंच गई। तो देख सकते हैं आपको ऑप्शन चेन ने यहाँ पर कितना हेल्प करा। अब देखिए यहाँ का सिनेरियो क्या होता है, तो 17,000
90 पर मार्केट पहुंच गई है, अब 800 को क्या ये क्रॉस करेगी या नहीं, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें बताएगा ऑप्शन चेन। तो हम फिर से चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन की तरफ। मैंने फिर से ऑप्शन चेन खोला, उसे रिफ्रेश करा और देखते हैं ये डेटा हमें क्या बताता है करेंटली। तो 17,800 पर आप देख सकते हैं जो पुट्स कॉल साइड का जो डेटा है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, वो लगभग OI जो है 156,000 है और चेन जो आए लगभग 60,000 के आसपास है, 59,000 है। तो हम इसे कंपेयर किसके साथ करेंगे? पुट साइड के डेटा के साथ। तो पुट साइड का आप डेटा देख सकते हैं, जो OI है वो है 199,996, लगभग 1,00,000। तो ये कहाँ कॉल का जो OI डेटा था वो था 1,50,000 से भी ज़्यादा, और जो पुट का OI है वो है 99,000, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो अभी स्ट्रांग है। और चेन जो आई की जहाँ तक बात करें तो वो पुट का ज़्यादा है और कॉल का कम है। कॉल का है 59,000 और पुट का है 90,000। तो इससे हमें क्या समझने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन जो चेन जो आई है वो पुट साइड ज़्यादा होने के कारण मार्केट जो है 17,800 को अभी ब्रेक तो नहीं कर सकती लेकिन उसके आसपास ही रहेगी, वो वहाँ से नीचे नहीं आएगी रेजिस्टेंस खा के, क्योंकि जो चेंज हुआ है वो पुट साइड ज़्यादा है, इसलिए मार्केट 17,800 के पास ही रहेगी। और 17,800 को वो कब क्रॉस करेगी? जब पुट साइड का जो है दोनों डेटा OI और चेंज हुआ, जब दोनों कॉल साइड के डेटा से ज़्यादा हो जाएगा तब तक वो 17,800 को क्रॉस नहीं कर सकती, और जैसे ज़्यादा होगा वो क्रॉस करके भाग जाएगी। और अगर तब तक में कॉल ने अपना OI डेटा और उसके साथ साथ चेंज OI डेटा भी बढ़ा लिया पुट के OI डेटा और चेंज OI डेटा से, पुट के OI डेटा से तो पहले ही ये ज़्यादा है लेकिन चेंज OI कम है, चेंज OI अगर वो बढ़ा लेता है पुट के OI से, तो मार्केट 180 से बहुत अच्छा रिजेक्शन खाएगी और नीचे आ जाएगी। तो इसका यूज़ आप ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं? तो मार्केट जैसे ही 17,800 के पास पहुंच रही है, आप क्या कर सकते हैं? आप वहां पर एक पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी उसको ब्रेक करके तो जा नहीं सकती, OI बहुत ज़्यादा है। तो आप एक पुट बाय कर सकते हैं, मार्केट वहां से थोड़ा ना थोड़ा रेजिस्टेंस खाएगी और आप अपना एक स्कैल्पिंग लेकर निकल जाओगे। और आप देखिए मार्केट ने किया भी वैसा ही, 17,800 के पास वो जैसे पहुंची उसे रिजेक्शन मिला और वो नीचे आने लगी, अच्छा खासा नीचे आई है, लगभग 20-25 पॉइंट नीचे आ गई मार्केट। अब यहाँ हमें नया चीज़ ऑप्शन चेन क्या बताएगा कि मार्केट कब साइडवेज हो सकती है, वो कैसे, वो देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑप्शन चेन आपको बताता है कि मार्केट कब साइडवेज हो सकती है और आपको साइडवेज मार्केट से कैसे बचना है, तो देखिए 17,800 पर जैसा कि हमने देखा कि जो है रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, अब जब तक OI जब तक नहीं बढ़ता है पुट साइड का तब तक तो मार्केट 17,800 को ब्रेक करके ऊपर जाएगी नहीं, उसके नीचे ही घूमेगी। तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस क्या मिल गया, 17,800। अब मार्केट वहाँ से नीचे कितना दूर तक आ सकती है, तो हमें नीचे का सपोर्ट देखना होगा। तो 17,750 पर हम देखते हैं कि जो हमारा ये है कॉल साइड, जो हमारा डेटा है 82,000 OI है और चेंज OI है 20,000, और पुट साइड जो हमारा डेटा है 92,000 OI है और चेंज OI है 86,000, यानी कि ये जो दोनों है पुट साइड ज़्यादा बढ़ गए। अब पुट साइड जो है ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ कि 17,750 हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। अब मार्केट फिलहाल के लिए तो इसको ब्रेक नहीं कर सकती जब तक ऑप्शन चेन में ये दोनों में से कुछ भी कॉल साइड का ज़्यादा ना हो जाए, तब तक तो ब्रेक नहीं कर सकती मार्केट में, क्योंकि पुट साइड का डेटा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो 17,750 हमारे लिए एक सपोर्ट हो गया। अब 17,750 एक सपोर्ट हो गया और 17,800 एक रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि मार्केट अब इसके बीच में ही घूमेगी, और 50 पॉइंट का अगर रेंज है मार्केट का तो वो एक साइडवेज मार्केट ही होगी। अगर निफ्टी का रेंज 50 पॉइंट में है तो वो एक साइडवेज मार्केट हो गई। और आगे देखिए क्या हुआ, मार्केट जो है आगे क्या किया ये आप देखिए, मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आने लगी, नीचे आने लगी, और फिर ये मैंने यहाँ पे भी एक नीचे भी आप ये दे दिया, सपोर्ट दे दिया कि मार्केट का रेंज अब ये बन गया, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी ये अपडेट कर दिया कि मार्केट जो है 17,750 से 17,800 के बीच में मूव करेगी, अभी साइडवेज होने के चांसेस हैं। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा होगा तो आई होप कि आपने ये नोटिस करा होगा कि जैसा मैंने कहा आगे वैसा ही हुआ और आप साइडवेज मार्केट से शायद बच पाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको लाइव मार्केट में बहुत ही अपडेट मिलते रहते हैं वहां पर।
फिर यहाँ देखिए मैंने करीब 11 बजे के करीब फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और मैंने देखा कि चेंज ओआई और ओआई जो है 800 पर वैसा ही है, लगभग ऑप्शन चेंज बिल्कुल जैसा का तैसा ही है। चेंज ओआई जो है वो पुट साइड बढ़ा हुआ है और ओआई जो है वो कॉल साइड बढ़ा हुआ है, तो यानी कि 17,800 अभी तक हमारे लिए रेजिस्टेंस ही है। ये करीब मैंने 11 बजे रिकॉर्डिंग करी थी और आप देख सकते हैं 11 बजे के पास जो है मार्केट ने फिर से एक बार 17,800 को रेजिस्टेंस लिया और वो फिर से नीचे गई। यहाँ भी अगर आप चाहते तो छोटी सी स्कैल्पिंग कर सकते थे, यहाँ पर छोटी सी स्कैल्पिंग आपको मिल जाती और आप कुछ ना कुछ लेकर यहाँ पर स्कैल्पिंग में निकल सकते थे। अब फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट जो है 17,750 के पास मार्केट जैसे पहुँची, मार्केट को एक सपोर्ट मिला, क्योंकि 17,750 पे मैंने कहा ही था सपोर्ट बढ़ा हुआ था। ये रिकॉर्डिंग मैंने करीब 11:30 बजे के करीब करी और देख सकते हैं 17,750 से मार्केट को सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर की ओर उठने लगी। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्कैल्पिंग मिलता, आप यहाँ पर कॉल साइड अपनी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप ऑप्शन चेन देखना सीख जाते तो आप यहाँ पर जानते हैं कि मार्केट 17,750 को अभी के लिए ब्रेक नहीं करेगी, उसे यहाँ से सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर उठी। आप यहाँ पे भी छोटा सा स्कैल्पिंग करके आप देख सकते हैं मार्केट 17,750 से रिट्रेस करके और ऊपर उठी और 17,770 के पास पहुँच चुकी है, अभी 20 पॉइंट लगभग यहाँ पर आपको मिले और मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी क्योंकि 17,750 को ब्रेक कर नहीं सकती अभी। अब फिर आप यहाँ पर देखें, मैंने फिर 12:30 बजे करीब रिकॉर्डिंग ऑन करी और आप देख सकते हैं मार्केट जो है वो 17,750 के पास फिर से पहुँचने वाला है। अब यहाँ पर आप एक प्राइस एक्शन देखें, कितना अच्छा एक प्राइस एक्शन बन रहा है। अब आप ये देखें, मार्केट पहले इतनी ऊपर तक पहुंची, 800 तक पहुंची, फिर आई 750 पर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर उठने की कोशिश करी, बट इस बार मार्केट ने जो एक लोअर हाई था वो लगाया। यहाँ पर आपका ये हायर हाई था, ये उससे नीचे रह गया यानी कि लोअर हाई बना। तो मार्केट में जो है आप इससे ये इमेजिन कर सकते हैं मार्केट में उतना स्ट्रेंथ अब नहीं बचा जितना स्ट्रेंथ से वो चल रही थी ऊपर की ओर। फिर मैंने इसके बाद ऑप्शन चेन चेक करा कि ऑप्शन चेन हमें क्या बताता है और फिर आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में हमें क्या मिलता है। मैंने ऑप्शन चेन को एक बार रिफ्रेश करा तो ये देख सकते हैं आप। अब ऑप्शन चेन का डेटा को आप देखें, 17,750 पर चेंज ओआई 101,000 है और ओआई 107,000 है। अब आप पुट साइड ये जो मैंने डेटा बताया ये पुट साइड का था, 101,000 एंड 107,000। अब कॉल के साथ इसे जब कंपेयर करते हैं तो ओआई जो है 91,000 पहुंच चुका है, 99,000 पहुंच चुका है, यानी 100,000 करीब ओआई भी पहुंच चुका है और चेंज ओआई भी 37,000 हो गया, जो पहले 18,000 के आसपास था एक घंटे पहले। तो यहाँ हमें एक और सिग्नल क्या मिला कि जो पुट है वो पुट के जो ओआई है वो एक ही जगह पर लगभग कॉन्स्टेंट है, लेकिन जो कॉल के ओआई है वो बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि मार्केट में सेलर्स जो है, मार्केट मतलब नीचे गिरने के लिए जो है वो ज़्यादा अब एग्रेसिव हो रही है। मार्केट में चार्ट पैटर्न भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट में उतना स्ट्रेंथ नहीं रहा, मार्केट एग्जॉस्ट हो चुकी है, मार्केट नीचे आ सकती है। और ऑप्शन चेन भी हमें यही बता रहा है कि जो कॉल के ओआई है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पुट के ओआई एक ही जगह पर है। तो इससे हमें ये भी सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट का जो सपोर्ट है वो अब कमजोर होता जा रहा है, 750 का जो सपोर्ट था वो अब कमजोर होता जा रहा है। फिर मैंने करीब 1 बजे अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करी और मैंने देखा कि मैंने मतलब एक और चीज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ 50 का मूविंग एवरेज, तो मैंने उसे भी अपने चार्ट पर ऐड कर लिया और मैंने देखा कि मार्केट जो है 750 के अप्रोक्स बढ़ रही है, 750 को अप्रोच कर रही है और वहीं पर मेरा मूविंग एवरेज भी है। फिर मैंने ऑप्शन चेन पर भी चेक करा तो मैंने देखा कि मैंने पहले रिफ्रेश करा और फिर मैंने देखा कि 17,750 पर, अब आप यहां पे डेटा को चेक करें, 17,750 पर जो है ओआई डेटा कॉल साइड का देखें 107,000, चेंज जो आए 44,000 और चेंज जो आए पुट साइड जो है वो 101,000 और ओआई 107,000, यानी कि अप्रॉक्स लेवल कर चुका है कॉल साइड अपने ओआई को। तो इससे हमें ये सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट का सपोर्ट पहले से ही कमज़ोर हो रहा था और अब और ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा खुश था, क्यों? क्योंकि मेरा जो 50 का मूविंग एवरेज है इसे मैं बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस मानता हूँ। अब ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है और फिलहाल के लिए जो चेंज हुआ है वो पुट साइड का बढ़ा हुआ था, तो एक रिजेक्शन मुझे यहाँ पर मिल सकता था, तो मैं उसी का वेट कर रहा था। 750 को देखिए मार्केट ने क्रॉस करा, 740 तक आई और मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करी और यहाँ पर ही था जब मैंने अपनी कॉल साइड में एंट्री बनाई ये रिजेक्शन को देखते हुए, क्योंकि एक बार में 50 के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देना
लगभग इम्पॉसिबल के बराबर होता है। वो वहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा उसे रिजेक्शन मिलेगा ही मार्केट को, चाहे वो ऊपर से आ रही हो या नीचे से जा रही हो। और 750 का जो लेवल है वो भी अभी फिलहाल पुट साइड थोड़ा तो बढ़ा था चेंज ओपन इंटरेस्ट, तो उसका भी एक सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता था। तो मैंने यहाँ पर कॉल साइड अपनी एंट्री बनाई और यहाँ पर लगभग मुझे आप देख सकते हैं किस टाइप का प्रॉफिट हुआ था, मार्केट कैसे यहाँ से रिस्पॉन्ड करी थी आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से मार्केट धीरे 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 करते हुए ऊपर गई और 50 के मूविंग एवरेज पर एक अच्छा सा हैमर कैंडल बनाती है। और फिर मेरा जो प्रॉफिट था वो अप्रॉक्स 17,000 का यहाँ पर हुआ था। और ये कैंडल जैसे ही उसे ब्रेक करके ऊपर निकलती है और जिस लेवल तक पहुँचती है, मैं अपनी जो इंट्री थी उससे एग्जिट कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर से मार्केट को फिर से रेजिस्टेंस फेस होने वाला था, क्योंकि सपोर्ट जो था हमारा वो पहले से ही वीक हो चुका था। तो मैंने ज़्यादा यहाँ पर लालच नहीं करा और थोड़ा सा स्कैल्पिंग करके निकल गया। मैंने जहाँ पर एग्जिट करी मार्केट उसके बाद भी थोड़ी ऊपर तक गई, बट मुझे कोई अफसोस नहीं, मैंने अपना जो स्कैल्प था वो 17,400 के अप्रॉक्स का था वो करा और वो मैंने मार्केट से निकल गया। अब ये रिकॉर्डिंग जो है मैंने करीब 1:10 या 15 मिनट 1:15 के करीब करी थी और ये रिकॉर्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे यहाँ पर अपना प्रॉफिट मिला आप देख सकते हैं, उसके बाद भी मार्केट ऊपर गई थी बट मैंने फिर एंट्री नहीं बनाई क्योंकि सपोर्ट कमज़ोर हो चुका था, ऑलरेडी सपोर्ट जो है बहुत वीक हो चुका था। तो यहाँ पर जो 1:15 का ऑप्शन चेन अगर आप नोटिस करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा हमारा ऑप्शन चेन, मैंने थोड़ा रिफ्रेश करा एंड ये देखिए 750 पर आप देखिए जो चेंज हुआ है 1,02,000 है और ओआई है 1,08,000, ये पुट साइड का ओआई है। और कॉल साइड का आप अगर ओआई देखेंगे 1,11,000, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल जो बहुत देर से लगभग 2-2.5 घंटे से पीछे चल रहा था पुट से, उसने यहाँ पर लीड बना ली, ये 1,11,000 हो गया और ये 1,08,000 ही है। चेंज ओआई चेंज ओआई जो है वो मैं मानता हूं कि कॉल का जो है वो कम है पुट के चेंज वाइज से, लेकिन आज के अकॉर्डिंग में ये कॉल ने जो मेकअप करा है ये मेरे लिए बहुत था। और मार्केट जो है वो पहले से ही अप ट्रेंड के बाद एक डाउन ट्रेंड में जा रही थी, आप जहां पर जैसे देख सकते हैं मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही थी, यहां से लोअर हाई बना रही थी। तो मैंने ये मान लिया कि 17,750 जो है वो अब ब्रेक होगी क्योंकि मार्केट का मोमेंटम जो है उस साइड बढ़ता जा रहा है और जो कॉल का जो ओआई है वो भी उसने बढ़ा लिया है। तो मैंने मान लिया कि 750 अब ब्रेक होगी, इसलिए मैंने कॉल साइड ज़्यादा एंट्री नहीं बनाई और छोटे से प्रॉफिट लेकर ही मैं निकल गया अपने एंट्री से। फिर कल के बाद मैंने रिकॉर्डिंग तो नहीं करी, मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था, फिर मैं लंच के लिए निकल गया एंड फिर आपको दिखाता हूँ कि कल के बाद मार्केट ने करा क्या। ये आप देख सकते हैं मैं निफ्टी 50 का चार्ट कल के जैसा ही बिल्कुल पड़ा हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पर मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट नीचे आई और 750 को जो मार्केट ने ब्रेक करा एक ही झटके में ब्रेक करा और उसके बाद मार्केट 17,710 तक गई और फिर एक बार भी मार्केट ने 750 को ऊपर की ओर ब्रेक नहीं करा क्योंकि ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो चेंज हो चुका था। मैं पहले से ही समझ गया था अब 750 ब्रेक होने वाली है और आप देख सकते हैं मार्केट ब्रेक हुई वहाँ से और नीचे ही गई। तो देख सकते हैं आप ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप अच्छे से समझ पाते हो तो आपको मार्केट के डायरेक्शन को पता करने में कितनी आसानी मिलती है। और मैं तो अपनी जितनी भी स्कैल्पिंग हो या फिर लॉन्ग ट्रेड हो मैं सब ऑप्शन चेन के डेटा पर ही डिपेंड करके करता हूँ। मैं ऑप्शन चेन के डेटा पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ऑप्शन चेन को समझना सिखाया होगा, बेसिक से लेकर थोड़े एडवांस लेवल तक बढ़ा, इससे भी एडवांस लेवल होता है बट फिलहाल के लिए आपको उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम जो है अभी छोटे कैपिटल से ही ट्रेड करने वाले पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। एंड जितना मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर किसी भी और वीडियो में इतने डिटेल में ऑप्शन चेन को बताया गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई आई नो, बट जो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको हमेशा काम देगी, हमेशा। स्टॉक ट्रेडिंग में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको बड़े से बड़े क्लासेस में भी नहीं मिलेगी जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी है। और आप बस लाइव मार्केट में कुछ दिन ऑप्शन चेन के जो मैंने स्टेप्स बताए, जो मैंने रूल्स बताए, जैसे आपको ऑप्शन चेन पढ़ना बताया है, उसे कुछ दिन बस आप लाइव मार्केट में फॉलो करें, आप देखिए अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो के नीचे में आके मुझे कमेंट कीजिएगा
कि सर आपकी जो ये रूल्स थे एंड ये जो ऑप्शन चेन पढ़ने का तरीका था ये बिल्कुल ही गलत था। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मैं बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छा से टाइम देकर समझे एंड देखें, और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। ऐसा शायद ही कोई कमेंट होता है जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, स्टार्टिंग से लेकर आज तक मैंने हर कमेंट के रिप्लाई करे हैं, मुझे अच्छा लगता है कमेंट के रिप्लाई करने में। तो कोई भी क्वेरी रही होगी, कोई भी कन्फ्यूजन रहे होंगे, हो सकता है कहीं कहीं आपको कन्फ्यूजन रह गया होंगे, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं लाइव मार्केट के बहुत सारे अपडेट्स देते रहता हूँ। अभी वो नया चैनल है, जस्ट मैंने स्टार्ट ही करा है एक दो दिन पहले, तो आने वाले टाइम में तो उस पर बहुत कुछ आने वाला है। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी प्रॉफिटेबल एंड ट्रेड करते रहिएगा।